Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we are going to learn some new English vocabulary. These are advanced trending English words and I will explain them with meaning and examples. So let's begin. Our first word is relentless. Relentless ka matlab hota hai continuing in extreme way, never seems to stop. कोई चीज़ कोई बुरी चीज़ जो कि बहुत शिद्दत के साथ जारी रहे और ऐसा लगे कि अब वो ख़त्म नहीं हो गई है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसी चीज़ के लिए आप relentless का जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे गर्मियों में हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, तो जब हीट बहुत ज़्यादा होती है और वो कंटिन्यू करती है बहुत अरसे के लिए और उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए हम ये वर्ड relentless यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि relentless हीट, ठीक है, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद है और वो जारी है, वो कंटिन्यू है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है, तो relentless heat कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास workload बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अब वो आपको लग रहा है कि ये workload मेरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव अ relentless workload, कि मेरे ऊपर जो workload है वो शदीद है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोई भी बुरी चीज़ जो कि शदीद हो, जो एक्सट्रीम हो, अपनी एक्सट्रीम वे में जो है वो आपके ऊपर जारी रहे और वो लगे कि अब ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए आप ये जो relentless का वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जांपल में देखते हैं। इसकी एग्जांपल होगी शी कुडंट फेस relentless क्रिटिसिज्म एंड रिजाइंड, कि वो जो एक relentless किस्म की जो क्रिटिसिज्म थी उसको जो अपने ऑफिस में अपने वर्क प्लेस पर फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बहुत शदीद थी क्रिटिसिज्म, जो तनकीद उसके ऊपर हो रही थी और जो वो तनकीद थी वो जारी थी, वो कंटिन्यूड थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसकी वजह से फिर उसने तंग आकर रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अ सेकेंड वर्ड इज स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है टू से अनट्रू थिंग्स टू डैमेज अदर पर्सन्स रेपुटेशन, ऐसी बातें, ऐसी झूठी बातें कहना के ताकि दूसरे इंसान की जो है उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए, उसकी जो एक इज्जत है दूसरों की नज़र में वो ख़राब हो जाए, उसका इमेज जो है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्लैंडर करना किसी दूसरे इंसान को, कि किसी दूसरे इंसान के बारे में झूठी बातें फैलाई जाएँ, कही जाएँ, उसके बारे में र्यूमर्स फैलाए जाएँ, ताकि उस इंसान की जो रेपुटेशन है, उसकी जो एक इज्जत है, उसका जो एक अच्छा एक पॉजिटिव इमेज है वो ख़राब हो। इट मीन्स कि आप उसको स्लैंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा ब्लाइंड आर्टिकल्स वर मेंट टू स्लैंडर द एक्टर्स रेपुटेशन, कि जो भी ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे उनमें बहुत सी झूठी बातें लिखी गई थी, अनट्रू बातें लिखी गई थी, ताकि एक्टर की जो रेपुटेशन है उसको स्लैंडर किया जाए, उसको ख़राब किया जाए। अब नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंटिक। अच्छा, फ्रेंटिक के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि डन इन अ वेरी अर्जेंट वे, आप अगर कोई काम बहुत अर्जेंटली करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप उसके लिए कि मैंने इस काम को बड़ा अर्जेंटली किया, तो उसके लिए आप अर्जेंट कहने के बजाय आप फ्रेंटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड जो इसका मीनिंग है, सो वरी दैट अनएबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, कि समटाइम आप किसी भी बात की वजह से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो वो जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली जो फीलिंग है उसके लिए भी आप ये फ्रेंटिक जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि पहला हमने जो मतलब था अर्जेंट वे के लिए, तो उसका जो सेंटेंस है वो है द एक्टर मेड सम फ्रेंटिक कॉल्स, कि एक्टर ने कुछ अर्जेंट कॉल्स की, कुछ हंगामी किस्म की कॉल्स की, ठीक है, फ़ौरन वाली जो कॉल्स की जाती हैं। अ सेकेंड सेंटेंस इज आई वॉज फ्रेंटिक विद वरी वैन ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल, कि जब उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं ना की तो आई वॉज फ्रेंटिक विद वरी, कि मैं परेशानी से फ्रेंटिक हो गई थी, मतलब कि मैं परेशानी से मेरे इतनी ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ गई थी कि मैं अपने इमोशंस को, अपनी परेशानी वाले इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रही थी, मैं तो टू मच परेशान हो गई थी, ठीक है। आ नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवी। प्रिवी का मतलब होता है टू बी अलाउड टू नो अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को अगर किसी भी किस्म की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जानने की परमिशन दी जाए, उसको अलाउ किया जाए, तो इट मीन्स कि उस इंसान को प्रिवी किया गया है, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज नॉट प्रिवी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को जानने की, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, किसने किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है, किस बारे में है ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मेरे साथ शेयर नहीं की गई। अच्छा, एक इंसान ये भी कह सकता है कि आई वॉज प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, कि मेरे साथ ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो थी, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो थी, ये शेयर की गई। और वो ये भी कह सकता है कि आई वॉज नॉट प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, कि मेरे साथ ये जो प्राइवेट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी ये शेयर नहीं की गई। अब नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंचर। क्लिंचर का मतलब होता है समथिंग दैट प्रूव समथिंग। किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में अगर कोई बात, कोई एक बात को प्रूव कर दे, उसको
साबित कर दे और उस डिस्प्यूट या उस आर्गुमेंट को वो सॉल्व कर दे, तो वो जो एक बात है जिसने कुछ प्रूव किया है और जिसने उस आर्गुमेंट या उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया है, उसको आप क्लिंचर कहेंगे। एग्जांपल मैं समझाती हूँ। जैसे अगर दो लोगों के दरमियान में ये आर्गुमेंट हो रहा है, एक इंसान कह रहा है कि तुम वहाँ गए थे और वो दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं मैं वहाँ नहीं गया था। अब ये आर्गुमेंट हो रहा है, एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। एक इंसान दूसरे इंसान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम फलां जगह पर गए थे और वो इंसान जो है वो डिनाई कर रहा है कि नहीं मैं वहाँ नहीं गया था, तुम मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब कोई तीसरा इंसान आता है और वो आकर ये कहता है कि हाँ मैंने इस शख्स को कल वहां पर देखा था, ये गया था वहां पर क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। तो ये जो उस आई विटनेस होना जो वो इंसान है, उसने जो उनके दरमियान में आर्गुमेंट हो रहा था उसको प्रूव कर दिया है, उसको एक आर्गुमेंट को सेटल कर दिया है कि उसने साबित कर दिया ना कि भाई मैं तो आई विटनेस हूँ, मैंने देखा था तुम्हें, तुम वहां पर कल थे। तो आर्गुमेंट खत्म हो गया, वो जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया। तो वो जो आई विटनेस है वो क्लिंचर है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात जो किसी डिस्प्यूट को, किसी आर्गुमेंट को, उसमें किसी बात को जो है वो प्रूव कर दे और उसके बाद उस डिस्प्यूट या उस आर्गुमेंट को सॉल्व कर दे, तो वो बात जो होती है वो क्लिंचर होती है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा, सीसीटीवी फुटेज इज अ क्लिंचर इन दिस केस, कि इस केस के अंदर जो वो सीसीटीवी फुटेज है वो क्लिंचर है। मतलब कि उसकी जो फुटेज सामने आई है, उसने बहुत सी बातों को सामने एज ए एविडेंस वाई उसने प्रूव किया है और उसने बहुत सी बातों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसने बहुत सी डिस्प्यूट या बहुत सी जो मतलब कि इस तरह की बातें थी, आर्गुमेंट्स थे, उनको प्रूव कर दिया, उनको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अ नेक्स्ट वर्ड इज पैनिक। पैनिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। कोई इंसान जो है वो उसके अंदर अगर फियर या वरी की जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की हो, तो इट मीन्स कि वो इंसान पैनिक हो रहा है, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा, शेड्स ऑफ एविडेंसेस हैव पुट कल्प्रिट्स इन पैनिक। कि शेड्स ऑफ एविडेंसेस जो है, जो एविडेंसेस के जो जो छोटे छोटे एविडेंसेस जो निकल रहे हैं, जो डिफरेंट किस्म के एविडेंसेस जो सामने आ रहे हैं, उनके जो पीसेज हैं, उनके जो शेड्स हैं, ठीक है, उन एविडेंसेस ने कल्प्रिट्स को पैनिक में डाल दिया है। मतलब कि उनको फियर में डाल दिया है और उनको परेशानी में डाल दिया है, वरी में डाल दिया है। वो खौफजदा भी हैं और वो परेशानी में भी हैं, वो पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज इवेड। इवेड का मतलब होता है टू अवॉइड और एस्केप, किसी भी चीज से बच निकलना, ठीक है। उसके लिए वर्ड इवेड जो है वो इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस होगा, कल्प्रिट्स कैन नॉट इवेड फ्रॉम एविडेंस एंड देयर ड्यू पनिशमेंट। कि जो कल्प्रिट्स हैं वो एविडेंस से बच निकल नहीं सकते और जो उनकी ड्यू पनिशमेंट बनती है, जो उनकी पनिशमेंट एक बनती है जो उन्होंने जुर्म किया है, वो उससे बच नहीं निकल सकते, ठीक है, वो उसे अवेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है टू मेक नोन अ सीक्रेट, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। देखिए पीछे हमने प्रिवी वर्ड पढ़ा था ना, प्रिवी वर्ड का मतलब होता है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी एक इंसान को अलाउ कर देना, उसे शेयर करनी, उसके साथ शेयर की जाती है, उसको बताई जाती है। डाइवल्ज का मतलब होता है कि कोई प्राइवेट या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो मेक नोन कर दी जाए, वो बहुत सारे लोगों को बता दी जाए, ठीक है, वो पब्लिक में, मतलब कि आम जो है वो लोगों में जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को नोन कर दिया जाए, उसको रिवील कर दिया जाए। तो इसका मतलब होता है डाइवल्ज कर दिया उस इन्फॉर्मेशन को। इसका सेंटेंस होगा, द जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू डाइवल्ज द नेम ऑफ हिज सोर्स। कि जर्नलिस्ट ने जो भी उसका सोर्स था, जिससे उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसने अपने सोर्स का नाम जो है वो डाइवल्ज करने से रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब कि उसको उसके नाम को सबके सामने शेयर करने से, सबको बताने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। अ नेक्स्ट वर्ड इज यैंक। यैंक का मतलब होता है टू पुल समथिंग फोर्सली, फोर्सफुली, ठीक है। जैसे हम लोग घर में ये जो हमारे बिजली के बोर्ड्स होते हैं, इनमें जैसे वो प्लग लगा होता है, कोई तार लगी होती है, तो उसको अक्सर हम बड़े जोर से खींच के बाहर निकालते हैं ना, तो उसको यैंक करना कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर फंसी हुई है और हम उसको चीज़ को बड़ा खींच कर जो है वो निकालते हैं, तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़ोर से खींचने को, पुल करने को यैंक करना कहते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा, ब्रदर यैंक्ड हर पोनीटेल एंड शी स्क्रीम्ड। अक्सर भाई अपने बहनों के साथ ये मजाक करते हैं कि उन्होंने उनकी जो चोटी होती है या उनकी जो पीछे पोनीटेल होती है उसको वो जोर से पीछे से खींचते हैं, ठीक है, थीके? वो सिर्फ अपनी बहन के साथ मजाक कर रहे होते हैं और अक्सर बहनें जो होती हैं वो इस पर जो है वो स्क्रीम करती, वो चलाने लग जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई ने उसकी पोनीटेल को यैंक किया है, उसको मतलब जोर से खींचा है। अ लास्ट वर्ड इज ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है फेल टू नोटिस और कंसीडर समथिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप नोटिस ना करें या उसको कंसीडर ना करें, आपके सामने वो चीज़ हो लेकिन आप उस पर ध्यान ना दें,
उसको कंसीडर ही ना करें, या तो आपने उसको नोटिस नहीं किया है या आपने जानबूझकर उसको कंसीडर नहीं किया है, इट मीन्स कि आपने उसको ओवरलुक कर दिया है, ठीक है, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया है, वो इम्पोर्टेंट बात कोई थी, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा द पुलिस ओवरलुक सो मैनी की एविडेंसेस इन दिस केस, कि पुलिस ने बहुत सारे एविडेंसेस थे इस केस के अंदर जिसको कि ओवरलुक कर दिया, मतलब कि उसको कंसिडर नहीं किया, या तो जानबूझ कर उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको उनसे नोटिस नहीं हुआ है, उनसे ओवरलुक हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने ओवरलुक कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप दिस लेसन वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।